मथुरा से बीजेपी उम्मीदवार हेमा मालिनी ने धमाकेदार जीत हासिल की है। जीत के बाद हेमा मालिनी ने जी मीडिया से खास बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए। हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी की सांसद हेमा मालिनी जी। हेमा जी को तीसरी बार ब्रजवासियों ने अपना प्यार दिया है। मैडम, पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रजवासियों से क्या कहना चाहेंगे जीत पर? ब्रजवासियों का धन्यवाद करूंगी, उनका प्यार मान सम्मान दिया मुझे, मुझे वापस तीसरी बार सांसद बनाया, उन लोगों ने बनाया है, इतना प्यार दिखाया, इसके लिए धन्यवाद। इस बार के चुनाव परिणाम बड़े चौंकाने वाले थे, खासतौर पर अयोध्या को लेकर बड़ी बातचीत हो रही है। पूरा चुनाव अयोध्या पर हुआ, तो वहाँ के परिणामों को कैसे देखती हैं? बहुत दुख होता है कि ये ऐसा कैसे हो गया, लेकिन अभी तक समझ में नहीं आ रहा कि क्यों हुआ ऐसा। हम लोगों ने भी यही सोचा कि मथुरा से एकदम से अयोध्या में जीतेंगे और बहुत बड़ा बहुमत में मिलेगा, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। इट्स शॉकिंग, मालूम पड़ेगा क्या हुआ क्या करके। सरकार बनाने की ओर भाजपा चल रही है, तो क्या आने वाले समय में परिवर्तन देखने को मिलेगा देश में विकास को लेकर? लेकिन मोदी जी सब मेरे ख्याल में सब ठीक ही करेंगे, वो जो करेंगे सही करेंगे, अमित शाह जी हैं, तो लेट्स सी व्हाट दे आर डूइंग, हाउ दे आर डूइंग। अभी हम क्या बताएंगे, हम तो सिर्फ देखेंगे इधर बैठ के। यूपी में सीटें बड़ी कम रही हैं, तो लगातार कम रही है, बहुत कम, इतना एक्सपेक्टेड नहीं था। सब लोग पूछते थे 80 पे 80 मिलेगा, मैं बोलती थी हाँ मिलेगा, इतना कॉन्फिडेंस था हम लोगों में, बट कहाँ वो कमी हो गई, आई डोंट नो। आने वाले समय मथुरा वृंदावन में विकास की गति और तेज देखने को मिलेगी, क्योंकि हेमा जी को दोबारा आशीर्वाद मथुरा की जनता ने दिया। डेफिनेटली मिलेगी, 100% मिलेगी, क्योंकि केंद्र में भी हम सबसे बात करके सारा काम करवाऊंगी। बहुत धन्यवाद हेमा जी हमारे साथ रही, और मथुरा वृंदावन में भी विकास आपको अलग स्तर पर आने वाले समय में देखने को मिलेगा। कहाँ कहाँ कमी रही, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार नेतृत्व बैठक कर रहा है, आने वाले समय में देखने को मिलेगा। तो जी मीडिया मथुरा।